कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से 35 घंटे के साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को सैनिटाइजेशन और सफाई व्यवस्था पर जिला प्रशासन और नगर निगम का विशेष जोर रहा। काफी दिनों बाद सैनिटाइजेशन को लेकर इस तरह की संजीदगी दिखाई पड़ी। इंदिरा बाल बिहार पर नवागत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सुबह से ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग की सैनिटाइजेशन के लिए लगाई गई गाड़ियों को शहर के 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन के लिए भेजने का कार्य किया। इस दौरान सैनिटाइजेशन के लिए लगी गाड़ियां बिल्डिंग, बाजार और चौराहे ही नहीं कई प्रमुख सड़कों तक को सैनिटाइज किया। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, उप नगर आयुक्त सहित नगर निगम और फायर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी व नवागत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, I'm
देखिए हमारे महानगर में 70 वार्ड हैं और साथ ही 4 जोन में डिवाइड किया गया है। हमारी इस समय 12 गाड़ियां इसमें सैनिटाइजेशन के लिए रवाना की जा रही हैं। पूरे अभी हम गोलघर में जहां जहां मार्केट बंद है, जहां जहां कर्फ्यू लगा हुआ, पूरे संडे में लॉकडाउन के समय रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पूरा गोलघर, रेती चौराहा, इस्माइलपुर, खूनीपुर, साथ ही साथ साहबगंज मंडी में हम सैनिटाइजेशन विधिवत करा रहे हैं। लगा चूँकि मार्केट बंद है इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हम लोग काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत जो हमारे 70 वार्ड हैं उन सभी वार्डों में जितने भी कॉमर्शियल एरिया हैं, मार्केटिंग एरिया हैं और इसके साथ साथ जितनी भी घनी बस्तियां हैं उन सभी जगहों पे हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, नगर निगम की गाड़ियां सबको एक साथ लेकर सैनिटाइज का काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम जो एक कोरोना के संक्रमण की धार है उसको काफ़ी हद तक हम कुंद कर सकेंगे, उसको थाम सकेंगे। देखिए आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं, जो शासन के द्वारा जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसका पूरी तरह से पालन करें। जब भी घर से बाहर निकले, घर के अंदर भी रहें तो वो पूरी तरह से जो मास्क का इस्तेमाल करें और जब भी किसी से बातचीत भी करें तो 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और कोशिश करें कि जब तक बहुत ही ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें।